अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये मैं आज आपको बिरयानी बनाने का तरीका बताऊंगी, तो चलते हैं अपनी बिरयानी की तरफ। ये हमने इसमें चिकन ऐड कर लिया और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर जो है वो आ चुका है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और उसके बाद में इसमें जो मसाले मैंने रखे हैं वो मैं इसमें डालूँगी। इसको मैंने अच्छे से भूनना है तो देखें ताकि इसका जो कलर है वो एक जैसा आ सके। अच्छी तरह से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखें कितना प्यारा डार्क ब्राउन सा कलर आ सके। हमने अच्छी तरह से चिकन जो है उसको फ्राई करना है ताकि इसमें अच्छी तरह से आपने इसको गोल्डन करना है ताकि ये अच्छी तरह से जो इसमें प्याजों का कलर है वो चिकन में आ जाए। देखिए जो है वो जबरदस्त सा कलर जो है वो इसमें आना शुरू हो गया। अब साथ ही मैं इसमें ये गरम मसाला और कड़ी पत्ता डाल दूंगी और फिर डालकर भूनूंगी। Thank you.
हमने इसमें कड़ी पत्ता और गरम मसाला जो है वो मैंने ऐड कर दिया है, ताकि मैं इसको जो है थोड़ा सा और फ्राई करूँ। देखें, इसको आपने एक से दो मिनट के लिए मसाला डाल कर दो। देखिए हमने इसमें मसाला डाला था तो ज़बरदस्त सा जो कलर है वो आ चुका है। अब मैं इसमें बाकी के तमाम मसाले जो है वो भी डाल दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें टमाटर जो है वो ऐड करूँगी। इसके बाद ये मेरे पास जो मसाले मैंने बना कर रखे थे ये मैं इसमें डाल दूँगी, तमाम मसाले इसमें डाल देने हैं। अब ये जो आलू हमने काट कर रखे थे ये भी मैं इसके साथ ही डाल दूंगी, ताकि ये भी मसाले के साथ भुन जाए और थोड़े से गल जाए। ज़बरदस्त है हमारी ये बिरयानी तैयार हो रही है, आप भी इसको ज़रूर घर में ट्राई करें। फिर कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इन मसालों को मैं थोड़ी देर जो है वो पकने दूंगी, ताकि तमाम मसाले जो है मेरे वो गल जाएं। इसको मैं ढक दूंगी। जी तो देखिए कि मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें जो हरी मिर्चें जो है वो मैं बाद में डालूंगी, ताकि मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। मैंने चावलों के हिसाब से इसमें पानी डालना है। ये मैंने इसमें पानी ऐड किया। ये देखिए बाद में इसको फिर ढक दूंगी, ताकि जो हमारा जो पानी है वो अच्छी तरह से बॉयल हो सके। तो हमने इसको ढक दिया।
देखिए नाज़रीन, हमारा पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। तो अब मैं इसमें जो है चावल भिगोकर जो मैंने रखे थे वो मैं इसमें शामिल करूँगी। तो हमने देखिए इसमें चावल जो है वो शामिल करने हैं। अब मैं कुछ देर इसको पकने दूंगी। चावलों को आपने अच्छी तरह से कुक करना है ताकि चावल जो है वो ये तो हिल भी नहीं रहा। वीडियो नहीं चला है मामा ने, तो हिल नहीं रहा। उसके बाद ये हमने येलो कलर इसमें डाल दिया। फिर हम इसे छोटा डाल दिया। इसके बाद मैं इसको दम पर रख दूंगी ताकि इसको अच्छे से दम आ जाए। लीजिए नाज़रीन, ये हमने अपनी बिरयानी जो है हमारी वो तैयार है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करना मत भूलें।